फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के जोशियाना क्षेत्र में पैर फिसलने से एक व्यक्ति नाले में हुई मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना में नगर निगम की लापरवाही सामने आई। वो मामला है थाना दक्षिण के मोहल्ला जोशियाना का, जहां मुकेश नामक व्यक्ति किसी कार्य के लिए निकला था। इसी दौरान क्षेत्र में नाले के रास्ते जा रहा था, पैर फिसलने से नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जाता है नाले के रास्ते रेलिंग न होने के कारण हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भरक दिया है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। ये गरीब व्यक्ति हैं, मुकेश कश्यप इनका नाम है, और ये सिर पर अपनी डलिया रखकर जो है चाट पकौड़ी का काम किया करते थे और यहाँ जोशियान मोहल्ले में किराए पर रहते थे। अभी बड़ी ख़राब स्थिति में, लॉकडाउन में इनकी धर्मपत्नी का भी स्वर्गवास हो गया और इनकी एकमात्र बेटी 11 साल की है, उसके साथ यहाँ रहते थे। कल बीती रात ये नाले से लौट रहे थे अपने घर की तरफ, तो पैर फिसलने से नाले में गिर गए, उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इनकी 11 साल की बेटी अनाथ हो गई। और ये नाले का रास्ता, जब मैं सन 2002-03 के वक्त जो है नगर पालिका अध्यक्ष था, तो मैंने बनवाया था मोहल्ले के सहयोग से। मोहल्ले के लोगों ने अपनी जगह दी थी, मकान तोड़वाए थे स्वेच्छा से, इस पर रेलिंग भी लगी थी। बाद के समय में इधर पीछे सालों में रेलिंग चोरी हो गई और ये नाला बिल्कुल ब्लाइंड है। ब्लाइंड माने इस पर कोई भी बगल में कोई रोक टोक नहीं है। अभी जब मैं परिवार से मिलने आ रहा था, तब भी एक टिड्डी इसमें पलट गई। इससे पहले कुछ दिन पहले कोई डॉक्टर गिर गई थी इसमें, मैंने जिलाधिकारी, उनकी भी डेथ हो गई। मैंने जिलाधिकारी महोदय को और नगर आयुक्त जी को इसकी स्थिति की गंभीरता बताई है। इतने गहरे नाले में इस तरह से घनी आबादी के बीच में निकल रहा है और रेलिंग न लगना एक बहुत आपराधिक परिस्थितियाँ हैं। तुरंत इस नाले की रेलिंग लगवाने के लिए निर्देशित किया है। पीड़ित परिवार में बेटी अनाथ है, इस वक्त उसका कोई भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ भगवान की कृपा से पूरे मोहल्ले वाले, बच्ची के ताऊ, लेकिन ये तो बात सच है कि बेटी के सिर से माँ बाप का साया उठ गया है। हमारा पूरा प्रयास है कि इस बेटी के भविष्य के लिए इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाए, जो आने वाले समय में ये बिटिया का जीवन, इस क्षति को तो कोई पूरा कर ही नहीं सकता। पूरी कोशिश यही रहेगी कि बेटी को अधिक से अधिक सरकारी और सामाजिक स्तर पर मदद दी।